हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं क्या आपको JEE के लिए 1 साल का गैप लेना चाहिए या नहीं। सो आज का वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, सो आपको अपनी कॉलेज डिसाइड करनी चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि कॉलेज कैसी है और उसमें पिछले 5 साल के ऑल इंडिया रैंक कहाँ कहाँ पे कट ऑफ कितना अटका है वो देखना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मान लीजिए कि महाराष्ट्र की कोई कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन लेना है, सो आपको JEE का मेन 1000 आया है और उसका कॉलेज का कट ऑफ क्लोज होता है 800 के ऊपर। सो यहाँ पे बात आती है कि क्या आपको उस कॉलेज में जाने के लिए फिर से 1 साल के बाद JEE अटेम्प्ट करनी चाहिए या नहीं। सो उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको गुजरात में कोई अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भी आप JEE से एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि निरमा यूनिवर्सिटी, PDPU, धीरूभाई अंबानी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी और IIT गांधीनगर। ये सारी कॉलेज में आप डायरेक्टली JEE के मार्क्स के ऊपर से एडमिशन ले सकते हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इज इट वर्थ, क्या वो अच्छा रहता है कि आप 1 साल गैप लेके आप JEE प्रिपेयर करके IITs और NITs में एडमिशन ले। सो हम एक एक के बाद एक यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का 1 साल केवल JEE के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप उसको यूज करते हो। सो इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि उसके जो रिजल्ट है वो क्या आ सकते हैं। सबसे पहले हमें है कि आपको IIT में और एडमिशन में JEE में अच्छे मार्क्स आने के बाद उसमें एडमिशन मिल गया। दूसरी बात कि आपने 1 साल का गैप लिया, आपने JEE अटेम्प्ट की और उसमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपको IIT और अपनी फेवरेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। सो फिर आप क्या करते हैं कि आप कोई भी गुजरात बेस्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और आपको मिल ही जाएगा इजीली। बट फिर क्या होता है कि आपका मन नहीं लगता है, आपको तो ऑलवेज IIT को टारगेट किया होता है, फिर आपको कोई भी निरमा में जाके आपका जो इंजीनियरिंग है वो खत्म करना होगा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे काफी सोच विचार करके 1 साल का गैप ले सकते हो। क्योंकि फर्स्ट केस में तो क्या रहता है कि 10 में से 5 स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें उसका अपना टारगेट अचीव होता है, आप उसको IITs और अच्छी NITs में एडमिशन मिल गया। बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिसका 1 साल इन्वेस्ट करने के बाद, 1 साल JEE के प्रिपरेशन के बाद भी अच्छे स्कोर नहीं आते, सो उस टाइम काफी डिफिकल्ट रहता है। अब हम बात करते हैं कि इफ यू आर टेकिंग गैप देन प्लीज ज्वाइन द कोचिंग क्लासेस। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अपनी जिंदगी का 1 साल इन्वेस्ट करते हो केवल JEE के लिए। सो अगर आपने कोचिंग क्लास में जाते हो, वहाँ पे आप JEE की प्रिपरेशन करते हो, सो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि उसके पास काफ़ी अच्छे फैकल्टीज रहती है, सो वो आपको डायरेक्टली स्टडी कराते हैं, उसको आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं, शॉर्टकट्स में देते हैं, काफ़ी ऐसे मेथड बताते हैं। सो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोचिंग क्लास ज्वाइन करना। और आपने गैप ले ही लिया है, आपने 1 साल केवल JEE की प्रिपरेशन ही करनी है, सो आपको अपना 100% डेडिकेशन देना होगा। ऐसा ना हो कि पहले 6 महीने आपने जम के पढ़ाई की और फिर आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया की आदत लग गई, सो ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आपको अपना 100% डेडिकेशन देना ही होगा, तभी आपको JEE में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है विदाउट टेकिंग ब्रेक। इस केस में क्या रहता है कि आपको गैप नहीं लेना है, आपको JEE में अच्छे मार्क्स नहीं आए, सो आप गुजकेट की एग्जाम पे गुजरात बेस्ड एडमिशन ले सकते हो कोई भी अच्छी कॉलेज में। इसमें भी काफ़ी अच्छी कॉलेज है गुजरात में, जैसे कि निरमा, PDPU, LD कॉलेज, विश्वकर्मा गवर्नमेंट, धीरूभाई अंबानी। सो इसमें आपको क्या रहता है कि जैसे ही 4 साल इंजीनियरिंग के खत्म होते हैं, उसके बाद गेट करके एक एग्जाम आती है, वो एग्जाम आप क्लियर करके कोई भी IITs, NITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc में मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपका टारगेट केवल IIT रहता है, सो आप ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप भले ही JEE में स्कोर अच्छा नहीं हो, गुजकेट के रैंक के ऊपर आपने गुजरात में कोई भी कॉलेज में एडमिशन लिया, गेट की प्रिपरेशन की और उसके बाद आपको IIT में मास्टर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है इन द एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भले ही आपको JEE में अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर भी आपने जम के कोई भी अच्छी कॉलेज में मेहनत की है, तो आपका अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट होने के चांसेस 100% है। मैं गारंटी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो कोई भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा ही। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि 12 लाख पर एनम, यानी कि 1 मंथ का 1 लाख जैसे पैकेज भी ऑफर हुई है,
और काफ़ी सारे एमएनसी आती है जिसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं कैंपस प्लेसमेंट में। सो मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सो अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं करते हो तो आपको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करना। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।